अभी जो सन्निधान में प्रक्रिया चल रही है वो आप कैसे कर रहे हैं? अभी क्या प्रक्रिया चल रही है? सबके हाथ में एक एक माला है, माला रुद्राक्ष की, रुद्राक्ष की माला के अंतर में जो तत्व है शरीर के अंदर उसको बंद कर रहे हैं और उसका साथ साथ हमें पता चल रहा है। पिछले 1.5 घंटे से मैं बच्ची का जप कर रहा हूँ। तेरे को क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आराम है। इसको हाजिरी भी आती थी, सारे काम होते थे, अब हाजिरी भी नहीं आएगी, दर्द भी खत्म हो गया। ये प्रक्रिया है, और कोई प्रक्रिया नहीं है। इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, अब इसको भी आराम पड़ने लगा। तो मैं बेटे क्या हुआ है बताओ, जब बैठे थे तब क्या था? शुरू में जब गुरुजी ने जाप शुरू किया था तो मेरी हार्ट बीट बहुत 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 हाई हो गई थी, बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, सर में दर्द थे, यहाँ पे दर्द था, नाभि के नीचे दर्द हो रहा था, लेकिन अभी सारे दर्दों में आराम है, सिर्फ सर में सिर्फ थोड़ा सा भारीपन है। अब जब आपने थप्पड़ मारा ना उसके बाद वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, अब बिल्कुल आराम है। वाइब्रेशन जब बैठी थी तब क्या था? दर्द हो रहा था शरीर में, और जब माला पक रही तो फिर वाइब्रेशन होने लग गई। वाइब्रेशन होने लगी थी। तुझे बेटे अब दर्द है? नहीं, दर्द नहीं है। जब बैठी थी तब कहाँ दर्द था? तब कमर में, पूरी बॉडी में दर्द, पूरी बॉडी में दर्द था उस टाइम, और फिर धीरे धीरे कम होता है, खत्म। हाँ, आप जब बैठे थे तब कहाँ दर्द था? और भारीपन था और हाथ में था, हाथ में था, हाथ में जब माला ली तब से बढ़ गया, तब से कम होता हल्का भार कम हुआ। हल्का भार कम हुआ क्यों? हल्का भार कम हुआ हो सकता है उसको, ताकतवर चीज़ हो, लेकिन इन चार को आराम पड़ा है। ऐसे ही हम एक एक दो दो आदमी को रोज़ देख रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं। ये बच्चियाँ हाजिरी ले रही है, ये सब मंत्र जाप से हो रहा है। मंत्र चिकित्सा और हवन कराते हैं आप, उससे रोग दूर करते हैं, साधे जो भी रोग होते हैं। अब धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि आपने इनके हाथ में माला देना शुरू किया है, ये क्या है? ये माला के माध्यम से हम जो है, क्योंकि रुद्राक्ष जो है भगवान का अक्ष है, और जब भगवान का जो अक्ष है उस अक्ष से प्रेतों को, पितरों को और मलिन देवताओं को, जो जिनको हमारे ये पूजते हैं, तांत्रिक पूजते हैं, उनको इसमें कैद की बात नहीं है, उनके अक्ष को इनमें रखा जा सकता है। और जब वो अक्ष इसमें रहेंगे तो उनको सुखद, बहुत जल्दी उनको मुक्ति मिल जाएगी, श्वेत हो जाएंगे वो, ठीक है ना? रुद्राक्ष का मतलब ये है। वैसे भी रुद्राक्ष आप अपने घर में कहीं भी रख देते हैं और जब वहाँ की ऊर्जा चेक करते हैं या कराते हैं तो वहाँ की ऊर्जा बढ़ जाती है। रुद्राक्ष का महत्व ये है, एक एक चीज़ देखने में आती है। आप जाते हो दुनिया भर के महात्माओं के पास, वो कहते हैं फला मंत्र जपो, फला मंत्र जपो, फला मंत्र जपो, आपकी ये बाधा दूर हो जाएगी, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगी। मैं कहता हूँ उन सारे महात्माओं को, भाई तुम जो मंत्र देते हो, जैसे कल परसों एक राधा नाम वाली लड़की आई मेरे पास, यशस्वी नाम है उसका, माता राधा का, वो महाराज जी से वृंदावन में जाके एक महात्मा से जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, उनसे राधा का नाम लेके आई, प्रेमानंद जी महाराज से, ठीक है। जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने आपको कौन सा मंत्र दिया, तो उन्होंने उस मंत्र को गुप्त रखा। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज वैसे 4 मंत्र उजागर कर रहे हैं, इनसे शारीरिक कष्ट भाग जाएंगे। जब शारीरिक कष्ट भाग जाएंगे या किसी भी प्रकार के कष्ट खत्म हो जाएंगे, तब आप भगा के दिखाओ ना उन मंत्रों से, मुझे तो तब आनंद आएगा, ठीक है। जब एक भी महात्मा ये काम नहीं कर रहा है, कर भी नहीं पा रहा है, और जब उस मंत्र से उस ऊर्जा को दिखा नहीं पा रहा है, तो उस मंत्र को बताने का फायदा क्या है भाई लोगों को? ठीक है, पहले आप करके दिखाओगे तभी तो वो जपेगा। मान लिया मैंने इन बच्चों को मंत्र शक्ति से ये काम करके दिखाया, तब मैं इनको मंत्र दूंगा, तब ये जपेंगे, तब इनको लाभ होगा। अगर मैंने ही नहीं करके दिखाया मंत्र से क्या होता है, फिर क्या लाभ होगा? मंत्र से वशाकर्षण होता है, मंत्र से मोहनाकर्षण होता है, मंत्र से विद्वेषण होता है, मंत्र से उच्चाटन होता है, मंत्र से मारण होता है, मंत्र से विद्वेषण होता है, मंत्र से कीलन होता है, मंत्र से कुछ भी होता है। आप करके दिखाओगे तभी तो अगले आदमी को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, मुझे ये बताइए। और जब भारत भर में किसी की सामर्थ्य ही नहीं है किसी महात्मा की, तो वो मंत्र बताता क्यों है, मुझे ये भी समझ में नहीं आया। ये नरसिंह का मंत्र है, ये फला मंत्र है, ये मंत्र है, ये मंत्र है। तुम करके दिखाओ ना मंत्र से, भाई मंत्र तुम्हारे पास है, उसी मंत्र से करके दिखा दो दुनिया को कि भाई देखो ये मंत्र है, मैंने ये जपा, इससे ये वो होगा। मैं मानता हूँ वशाकर्षण करने में आपको 2-3 दिन का समय लगेगा, मैं मानता हूँ मारण उच्चाटन करने में आपको समय लगने वाला है, और तिथियों पे आप काम करेंगे, दिवस पे आप काम करेंगे, समय देखेंगे, विद्वेषण में भी ऐसा होगा, लेकिन प्रेतादिकों को मारने में आपने 2 घंटे जब किया, अगले आदमी के शरीर में प्रेतादिकों के दर्द है, कष्ट है, रोग है, उनको मारने में समय नहीं लगना है। आप जब तो करो, आपने कभी पहल ही नहीं की, आप अपने में ही लगे रहे भाई। अरे संसार दुखिया हो चुका है, तुम्हारे पास आने वाले बहुत सारे लोगों में प्रेतादिक बाधा है,
वो जिक्र भी करते हैं, महाराज जी हम इस चीज़ से दुखी है, इस चीज़ से दुखी है, इस चीज़ से दुखी है। महाराज जी सोचनिया नहीं है, महाराज जी मंत्र तो दे रहे हैं कि भाई ये मंत्र जप लो सारे कष्ट व्याधियाँ दूर हो जाएगी। महाराज जी आप जब के किसी एक का करके दिखा दो फिर बता दो भाई अब ये मंत्र जप लो इससे सारे कष्ट व्याधियाँ दूर हो जाएगी। तो मनु भैया क्या मानते हैं कि गुप्त मंत्र जो है वो नहीं देने चाहिए? कहाँ देने चाहिए भाई, पहले आप मंत्र से करके दिखा दो भाई मैंने मंत्र से ये काम कर दिया, अब आप इसी मंत्र से ये काम कर लो। नहीं, दुनिया भर के धन के मंत्र है भाई, तुम्हारे पास अपना धन, अपने आप तो निर्धन हो गए। मैं तो ये एक बात मानता हूँ, जो भी आदमी महात्मा बनता है ना वो बहुत कष्टकारी समय होता है उसके घर पे। ठीक है, ज़्यादातर महात्मा सुख में बने हुए नहीं है, ये जितने भी महात्मा हैं 98% महात्मा वे हैं जो दुख में बने हैं, जिनके घर पे कष्ट था, कलेश था, पैसा नहीं था, ठीक है, कंगाली थी, बदहाली थी, और क्या कहते हैं कष्ट रहता था, तो वो 98% वही महात्मा आपको मिलेंगे। फिर वो खोज कहाँ से करेंगे, वो तो पहले अपनी बदहाली दूर करेंगे। कोई एक आध महात्मा है भी बहुत अच्छा, मान लिया मैंने महात्मा बहुत अच्छे, ठीक है, जैसे हम प्रेमानंद जी को ही मानते हैं भाई बहुत अच्छे महात्मा है, ठीक है, संत प्रवर है, नाम भी दे रहे हैं, लेकिन जो भक्त हैं अगर उनको कष्ट है और आपने कष्ट का मंत्र दिया है तो मैं तो ये कह रहा हूँ वो कष्ट का मंत्र सबको क्यों बता रहे हैं, जब जो आपने गुरु मंत्र दिया उसको लोग नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर उस कष्ट के मंत्र को बताने के लिए वो भी तो किसी गुरु का मंत्र है, वो भी तो कहीं ना कहीं ठहरेगा वो मंत्र भी। तो जब आप उस मंत्र से कष्ट या तो दूर करके दिखाएं वरना किसी को मंत्र ऐसे बताएं नहीं, फिर सारे मंत्र गुप्ती तो हैं और सारे मंत्र कीलित हैं, और जब सारे मंत्र कीलित हैं सांप से भगवान शंकर से, तब उनको निष्कीलन किया जाए उनका, और तब बताया जाए भाई देखो मैंने निष्कीलन किया मंत्र का, अब मैंने ये जपा, अब इससे ये आकर्षण हुआ, ये उच्चाटन हुआ, ये मारण हुआ, ये विद्वेषण हुआ, और किसका हुआ। ठीक है, सारे मंत्रों से ज़्यादातर क्या करते थे पहले, पहले ब्रह्मास्त्र प्राप्त करते थे, पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते थे, ठीक है जी, ये सारे अस्त्र ही प्राप्त करते थे, गदा अस्त्र प्राप्त करते थे। पहले गदा चलाना गदा अस्त्र नहीं था, कभी तुम ये सोचो, गदा चलाने के साथ साथ उस मंत्र का भी जाप करना पड़ता था जो गदा के लिए निर्धारण किया हुआ था ऋषियों ने, और उससे वो शक्ति, जैसे सुदर्शन चक्र का मंत्र है, ओम जम खम वम सुदर्शनाय स्वाहा कहो या नमा कहो, ऐसे गदा का है ना, ठम खम गम गदा का, ऐसे ही बहुत सारे मंत्र हैं जो हमारे कौस्तुभ मणि का है, भगवान श्रीय का है, जो जो हर तरह के अस्त्रों के मंत्र हैं। तब अस्त्रों को चलाने के साथ साथ उन मंत्रों को जपना पड़ता था, सिद्ध करना पड़ता था, तब उस अस्त्र में वैसी शक्ति विलक्षण उत्पन्न होती थी। कभी कोई ये सोचे कि भाई ये ऐसे था और वो अर्जुन ने ये चला दिया, उस मंत्र को ही वो देते थे सिद्ध करके, फिर अपने पास जो धारा थी उसकी उसको सीधा मूव कर देते थे कि अर्जुन अब तुम जो बाण चलाओगे वो इस तरह के अस्त्र का काम करेगा। और एक बात, वो अर्जुन एक बाण से कई अस्त्र चलाता था, जैसे पाशुपत अस्त्र भी उसके पास था, ब्रह्मास्त्र भी उसके पास था, आज भी उनके मंत्र है। अब कोई अर्जुन बनना ही नहीं चाहता तो क्या करेगा भाई, नहीं किसी की खोज नहीं है, मंत्र क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एक, सबके शरीरों में दर्द है, कष्ट है, भार है। मैं आज भी कहता हूँ कि जितने लोग बीमार हैं और हॉस्पिटलों में जा रहे हैं उनमें से 60% नगण्य हैं, उनको पता ही नहीं है तुम हॉस्पिटल में काहे धक्के खा रहे हो भाई। ठीक है, उनको समस्या ही प्रेतादि को की है, पितरादि को की है, पहले से ही चली आ रही है, आज से थोड़ी ना चली आ रही है, अरे युगों से चली आ रही है। आप देख लो जब यीशु मसीह ने पूरे उसके क्या कहते हैं ये दक्षिण के राज्य कहलाते हैं, सारे दक्षिण के देश कहलाते हैं, पश्चिम के देशों के जितने भी लोग थे उनमें प्रेत निकालना शुरू कर दिया, तब उनकी उन्नति हुई। हमारे यहाँ वे घुस गए, हमने बंद कर दिया, क्या कर दिया हमने बंद कर, अरे भाई शैतान अलग से नहीं है, राम नाम जो है वो अंतर में अगर चालू है और उसके हाथ में अस्त्र है तभी वो हमारे शस्त्र है, तभी वो हमारे शैतानों को राक्षस आदि को मार पाएगा। और ये सब शरीरों में घुस गए हैं, गणेश जी मारते कामासुर को, क्रोधासुर को, लोभासुर को, मोहासुर को, अहंतासुर को, कोई जाने की कोशिश नहीं कर रहा, इतने सूक्ष्म ये शरीर में रहते हैं सारे असुर, इन्हीं को मारना चालू कर देते हैं गणेश जी पहले, इसलिए गणेश जी सर्वप्रथम जपे जाते हैं कि आदमी की अगर ये चीज़ें खत्म हो जाएं तो उसको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, अगर उसका काम मर जाए, क्रोध मर जाए, लोभ मर जाए, मोह मर जाए तो उसको क्या है उसको, और फिर ज्ञान प्रदान हो जाएगा, गणेश जी ज्ञान के भी तो दाता हैं भाई, तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से, किसी शरीर के अंदर ना काम है ना लोभ है ना मोह है, तब उसकी क्या मेधा शक्ति बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी और क्या बढ़ेगा, उसको ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन महात्मा बताने में मैं आज ये देख रहा हूँ कि वो सक्षम ही नहीं है, जैसे वो कुछ ही बातें बताना जानते हैं और कुछ बातें बताना ही नहीं जानते, उनके पास कोई रहस्य ही नहीं रहा, जैसे मंत्र तो बता रहे हैं करके दिखा दो आप मुझे,
नहीं समझे, पूरे भारत में एक भी महात्मा ऐसा नहीं है जो ये तो बता देगा ये मंत्र तेरे सारे रोग हर लेगा, उस मंत्र से रोग हर के दिखा दो। नहीं समझे आप, तभी तो मैं महात्मा कहूंगा, मान मानूंगा, महान आत्मा आप कि आपने ये सिद्ध किया है। तो मनु भैया के माने तो जो महात्मा होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनको लोगों का उद्धार और असाध्य रोगों को खत्म करना चाहिए। होते नहीं, होते थे, होते हैं नहीं, होते थे, माने तो अब कहाँ है बताओ भाई। हाँ, सब महात्माओं को अगर वो किसी को दीक्षा दे रहे हैं तो उसको ये देखना चाहिए ना, मैंने इसको दीक्षा दी है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, इसको किसी प्रेत का, इसके घर में, कुल में, पितरों का बुरा प्रभाव तो नहीं है। या तो मना करो ये चीज़ें नहीं होती हैं, ढोंग ढकोसला अंधविश्वास है, फिर रहो इन पे। तो फिर तुलसीदास फैल है ना, हमारे सारे आचार्य फैल, हमारे सारे ग्रंथ फैल, हमारे 12-14 पुराण फैल, फिर सब फैल हो जाएगा। भगवान शंकर फैल, भगवान शंकर है ही नहीं फिर। मैं ये कहता हूँ अगर प्रेत नहीं है तो, सारी दुनिया तो प्रेतों पे चल रही है, उन्हीं की फिल्में बना बना के खा रहे हैं लोग, ठीक है, उन्हीं से सारा काम कर भी रहे हैं, तांत्रिक उन्हीं से जो है ना प्रबल हो रहा है ना, और सूक्ष्म में जाके लोगों का दुनिया भर का पैसा अड़ंगा लगवा देता है। सर मनु भैया के पास इतने लोग इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो साक्षात मुझे करते हुए पाते हैं, देखते हैं, और उनको राहत मिलती है तभी वो आते हैं, ऐसे कोई नहीं आता है। वरना तो तांत्रिक एक बार सारा काम करते हैं, कि कमरे में बुलाते हैं, पैसा खाते हैं। इस बेटी का कल से जप किया इसको आराम, उसका कल से जप किया उसको आराम, उसका कल से जप किया वो बहन जी वहां बैठी उसको आराम। तो जिनका जप कर रहे हैं उनको आराम, जिनका यज्ञ कर रहे हैं उनको आराम, उनकी चीजें कट रही है, नगण्य हो रही है, तब ऐसे कौन बैठेगा भाई? कोई सच्चा आदमी तो बैठेगा जो कुछ करके दिखा सकता है? नहीं भाई, और लोगों को विश्वास दे सकता है कि नहीं रुको ठहरो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं भाई, ये भारत की पावन धरा है, यहाँ पर हमारे सनातन ऋषियों ने कोई काम किया है, हमारे पास है वो मंत्र आज भी, ठीक है। मैंने 20 साल हो गए मंत्र जाप करते करते मुझे, तो मैंने जो पाया है, मैंने देखा है कि शरीर के अंदर एक तत्व घुसा हुआ है, उसको हम प्रेतादिक बोलते हैं, उसको पितृ बोल लो, प्रेत बोल लो, एक ही बात, वो देव योनि ही है, ठीक है। और वो हमारे सब चक्रों तक, सहस्रार चक्र तक है ना, सहस्रार हूँ फट, सहस्रार चक्र तक वो हमें जो है परेशान करता ही करता है। फिर इसलिए गणेश जी का नाम शुरू में लिया जाता है, गणेश जी विघ्न के हरता भी है और विघ्न करता भी है, बोलिए नहीं है क्या? है जी, शनिदेव महाराज भय दातार भी हैं और भय हरने वाले भी हैं, भय हारी भी हैं, सब देवताओं में सेम गुण होते ही होते हैं, तभी वो अपने शत्रुओं के बल को, जब अपने भक्तों के शत्रुओं के बल को गिरा पाते हैं, अगर ना हो तो फिर कैसे, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप कोई मंत्र दे रहे हैं, अपने मंत्र को तो गुप्त रख रहे हैं, दूसरे मंत्र खुले दे रहे हैं, फिर जो खुले दे रहे हैं उनसे बता रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो आप महाराज करके दिखा दीजिए किसी एक पे कि भाई ये कर दिया मैंने, अब तुम खुद कर लो, मैं तो ये नाम लेने वाला हूँ, मैं ये नाम लूँगा नहीं, या फिर बताओ मत। नहीं समझे आप भाई, आपने बता दिया आपके घर के सारे शैतान राक्षस भूत भाग जाएंगे, ये मंत्र जाप कर लो। अरे भाई, ये मंत्र जाप करके तुम भगा के दिखा दो एक का, ठीक है, फिर मैं हम मान लेंगे कि सारे संसार के भाग जाएंगे, कमाल है। नहीं समझे भाई, इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं आती है? आती बोलिए शनिदेव महाराज की। ये योग की बात है। तो कोई महात्मा अगर मंत्र दे रहा है तो उसको उस मंत्र को पहले क्रियान्वित करना होगा, पहले वो क्रियान्वित करके देखे अपने जीवन में, अपने जीवन में नहीं जपा, अपने जीवन में जब एक ही नाम जपा है तो दूसरे नाम की महत्ता कैसे पता है भाई, केवल ग्रंथ पढ़ के, और जब ग्रंथ पढ़ के ये बात पता है तो ग्रंथों में तो भूत प्रेत की बातें भी लिखी हैं, ग्रंथों में तो भूत प्रेत से होने वाले रोग भी लिखे हैं, ठीक है, प्रेत उन्माद रोग लिखा है बकायदा। तो लोग जो नाचते फिरते हैं उनमें से 10 का नाच ही बंद कर दो, ठीक है, महात्मा कहलाते हो, महात्मा का नाम ही महान आत्मा है, ठीक है, लोगों पे उपकार करना है। आज 200 देश किसको भगवान मान रहे हैं? यीशु मसीह को भगवान मान रहे हैं। क्या निकाला उन्होंने? भगवान की सच्ची राह दिखाई, पगडंडी ये है भाई, मैं तो भगवान का क्या कहते हैं पुत्र हूँ, जैसा मैं पुत्र हूँ वैसे तुम हो, अब उसका दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हें मिलेगा। उन लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती थी, उनको प्रार्थना करनी सिखा गया, और जब उनको प्रार्थना करनी सिखा गया तो उन्होंने प्रार्थना के बल पे उन्नति कर ली। उनके भूत प्रेत शैतान है ही नहीं आज शरीर में। भारत का बच्चा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है, कुछ उसको डॉक्टर खा जा रहा है, किसी को चिंता ही नहीं है, ठीक है, डॉक्टर ये सोच रहा है कि ये आदमी हमारी अड़चन है, ठीक है, किसी को चिंता ही नहीं है। भारत की हर पत्ती को ढोंग ढकोसला अंधविश्वास बता रहे हैं लोग, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता, क्या कहते हैं कि जामा मस्जिद के इमाम ने क्या लिख के रखा हुआ है, वहाँ बोर्ड कैसा रखा हुआ है लिख के। नहीं समझे, कोई ये नहीं सोचता कि जाकिर नाइक ने क्या बताया है वहाँ तुम्हें। खैर, तुम अपने ग्रंथ ही पढ़ लो भाई, इतनी बातें भी नहीं जानो तो। नहीं समझे आप, ग्रंथ पढ़ो।
अब ग्रंथ पढ़ोगे तो उसको करके देखोगे। तुम्हारे घर में एक भी ग्रंथ नहीं है। जो आदमी कह रहा है, सारे महात्मा कह रहे हैं, आजकल महात्माओं को एक जोर लग गया है कि भाई राधा नाम तो कहीं नहीं है। कौन कह रहा है राधा नाम कहीं नहीं है? जिसने नहीं पढ़ा वो तो नहीं बताएगा राधा नाम कहाँ नहीं है। भाई बताइए मुझे, पद्म पुराण में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, और गोपिका विरह गीत मतलब राधा का ही गीत है, राधा की ही विरह कथा है गोपिका विरह गीत में। दशम अध्याय श्रीमद् भागवत कथा, राधा नाम लिखना जरूरी है क्या? जब राधा जी के रोम रोम से गोपिकाएं उत्पन्न हुई है, तब अगर कोई गोपिका विरह गीत है तो वो राधा का ही गीत क्यों नहीं है? नहीं समझे भाई? अगर तुलसीदास जी ने किसी छंद में अपना नाम नहीं लिखा है लेकिन किताब के अंत में आया है तो क्या होगा भाई? तो फिर पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण पुराण नहीं है क्या? बोलिए। और एक जगह राधा का नाम तो उसमें भी आया, इन्होंने कभी पढ़े ही नहीं है, मुझे लगता ही नहीं है ये महात्मा ही ग्रंथ पढ़ते हैं, या ये जितने बैठे हैं जो कथा कर रहे हैं, मुझे लगता ही नहीं है इन्होंने ये ग्रंथ पढ़े हैं पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधा जी के बारे में इतनी कथाएं हैं उसमें कुछ हद नहीं। अरे राधा जी से शुरू, राधा जी पे संपन्न, ऐसा भी है, फिर भी इन्होंने ना कोई पाठ पढ़ा ना वहाँ का कोई कभी कोई श्लोक बताते, किसी ने कह दिया तो यहाँ राधा जी का नाम नहीं है तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा फिर वो आर्य समाजियों एक दूसरे को गिराने पे लगे हुए हैं। अरे भाई तुम्हारे मत इतने विशाल नहीं है, अगर तुम्हारे मत इतने विशाल होते तो बौद्धों की तरह एक साथ 50 देश खड़े हो जाते, 50 देश बन जाते। ठीक है, तो किसी मत का अपने का आग्रह क्यों करते हो भाई? तुम्हारा इष्ट कमजोर है। देखो मनु भैया का इष्ट सबसे ज़्यादा सशक्त है, कितना सशक्त है मैं तुम्हें आज बता दूं कि इस धरती पे किसी का इष्ट इतना सशक्त नहीं है। और मेरा इष्ट कौन है? शनिदेव महाराज। वो कहता ही नहीं तू मेरा प्रचार कर, मैं फिर भी कर देता हूँ, और लेकिन किसी से जिद मत नहीं करता कभी भी। कोई ये कह दे कि मैंने ये कहा जबरदस्ती कि भाई तू शनि पे तेल चढ़ा, तू शनि की पूजा कर, तू शनि का मंत्र जाप कर, कोई एक आदमी बता दो, बोलो धरा पे ढूंढ दो कि मैंने किसी को ये कहा नहीं इसके बिना कुछ नहीं चलेगा, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मेरा मत सबसे बढ़िया है, मैं सबसे बड़ा भगत हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फलाना हूँ, और मेरा ही मत रहेगा। ठीक है, परमेश्वर बनने में कोई आनंद नहीं है, घाटा हो रहा है। परमेश्वर बनोगे सबको दोगे, और देना आता नहीं तो परमेश्वर ही फैल हो जाएगी एक दिन। आगे ना समझो भाई, देना तो कभी सीखा ही नहीं। जैसे एक महात्मा वो बन गया, भगवान बन गया, लेकिन दिया किसी को कुछ नहीं, बता भी रहा है मेरे पास सुदर्शन चक्र है, मैं नारायण साकार हरी हूँ, जोड़े तो अपने अपने गया, किसी को दिया ही नहीं भाई। किसी को दोगे तभी तो पता चलेगा कि आप भगवान हो। नहीं समझ। बोलिए शनिदेव महाराज की। अच्छा गुरु जी, पूजा पाठ और मंत्र जपने से अगर सारी समस्याएं हल हो जाती तो आप तो न्यास करते हैं, और न्यास करना तो देश में सभी लोगों को नहीं आता, बिना न्यास के कैसे ठीक हूँ? बिना न्यास के संकल्प होता है कि मैं मंत्र इसलिए जप रहा हूँ, काम खत्म, वही न्यास है आपका। नहीं समझे भाई, आप जब हनुमान चालीसा जपते हो तब क्या सोचते हो कि हनुमान जी की कृपा हो, मुझे वही मेधा शक्ति मिले, ऐसी उड़ने वाली वो मिले, तो हनुमान चालीसा पढ़ के राम 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 करके उन्होंने यही शक्ति प्राप्त कर ली। 8 सिद्धियां थी उनके पास, वो महाराज थे जो नीम करौली वाले बाबा थे, ऐसे ही जाते थे, लोगों के सपनों में जाते थे और लोगों के दुख दूर करके आते थे, लोगों से मिल के आते थे, बात बता देते थे, दो दो शरीर रखते थे। ठीक है, यहाँ मर गए हैं, शरीर छोड़ दिया है, वहाँ अमरीका में एक क्या कहते हैं उसको देख रहे हैं, वो एक वो पुलिस वाला जो है उनको रोज़ मिल रहे हैं, उनके सामने से रोज निकल रहे हैं, और वो किसी के घर में फोटो देखते हैं, वो कहता है ये कौन है? बोले ये तो हमारे गुरुजी हैं। बोले ये गुरुजी तो क्या कहते हैं रोज यार वो उल्लंघन करते हैं ट्रैफिक के नियमों का, मैं इनको चेताता रह जाता हूँ, भरी ट्रैफिक में से पार हो जाते हैं ये रोड पे, अपने गुरुजी को बोलो। बोले उनको तो शरीर छोटे बहुत साल हो गए। बोलिए शनिदेव महाराज की। वो उसी दिन से नीम करौली बाबा का भक्त हो जाते हैं। तब अमरीका में ये खबरें फैली है, तब अमरीका के इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, ऐसे कोई नहीं आता है कभी सीधा उठा के, और वो जुकरबर्ग चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है, ऐसे नहीं है। मेरे पास भी कोई बड़ा आदमी आता है तो वो ये सुन के आता है कि इतने लोग यहाँ ठीक हो गए हैं, ऐसे नहीं आएगा कोई भी, कोई उठ के नहीं आता ऐसे, किसी को नहीं पड़ी है। नहीं समझे? और चूंकि मैं भूत प्रेत निकालता हूँ और सबके सामने कह के निकालता हूँ, तो इसलिए लोग इससे डरते भी हैं, शब्द से ही डरते हैं, तो ये सोचते हैं कि हम पाखंड की जगह ना चले जाए, जबकि जो हजारों लाखों महात्मा ज्ञान दे रहे हैं वो तो मैं पहले ही दिन से देता आता हूँ आपको। अच्छा, नहीं समझे? और आपका उसमें प्रभाव भी पड़ता है क्योंकि मैं उससे गुजरा हुआ हूँ। ठीक है, और करके दिखाता हूँ, सबसे बड़ी बात करके दिखाने का तो वैसे ही प्रभाव होता है। बहुत सारे बाबा अनेकों प्रकार के इस समय चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, पहले आप गए थे, उसके बाद से बहुत सारे बाबा अलग अलग अद्भुत तरीके से अपने अपने चमत्कार का बखान करते हैं, और उनका नाम अलग अलग तरीके से चैनल वाले भी देते हैं। भाई नाम तो क्या है, सबकी तो सरकार चलती है, एक शनि धाम के अलावा और सबकी सरकार ही है, जितनों भी देखोगे भाई सबको सरकार। ठीक है, सबका भगवान के नाम पे चल रहा है भाई,
सबका चल रहा है। किसी के यहाँ हनुमान जी बता रहे हैं लिख के कि भाई हनुमान जी पर्ची लिख रहे हैं, भाई अब हनुमान जी इसी काम के हो गए हैं, भूत भविष्य लिखने के। हनुमान जी को कोई काम ही नहीं रहा। हनुमान जी भक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, शक्ति देंगे, इसके अलावा क्या देंगे? पर्ची भी लिखेंगे भाई तुम्हारी। हाँ, हनुमान जी घर के नौकर है क्या? अरे इस पृथ्वी पे जो है, अगर वो साधु है, महात्मा है, संत है, भक्त है, जो मरा वो एक आत्म के फॉर्म में यही रहता है, जाता ही नहीं ऊपर। कोई कोई ऐसा है जो खिंच के ऊपर जाता है, कुछ लोग तो, कुछ महात्मा गण तो यहाँ इसलिए रह जाते हैं ताकि लोगों का कल्याण करें। तो उसमें बहुत सारे महात्मा गण है, वे लोगों का कल्याण कर रहे हैं, वे लोगों के मन बुद्धि पे बैठ के उनको अच्छे विचार दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। लोगों के घर की बातें बता के और तब वो बता रहे हैं, वो सूक्ष्म है, वहीं बैठे बैठे सब देख लेते हैं, वो पर्ची पे लिख देते हैं, काम खत्म। अब इसमें हनुमान जी कहाँ से आ गए, मुझे ये समझ में नहीं आता। हाँ, वो हनुमान जी की भक्ति करते हैं इसलिए उनका हनुमत स्वरूप हो जाता है, आगे वो भी भक्ति कर लेते हैं उस्मान, तो उनका भी हनुमत स्वरूप हो जाता है। नहीं समझे ना, तो भक्ति भी ना हो, आया समझ में? और बल भी किसका लगता है? उस महात्मा का लगता है जो चला गया शरीर छोड़ के। क्यों? क्योंकि वही आत्म जो है वो आत्मदर्शी हुए ना हुए, जीवन भर रहते हुए, लेकिन अब वो आत्मा आत्मा दर्शी हो जाएगी, क्योंकि उसमें भगवत कृपा होगी, क्योंकि वो लौकिक कल्याण कर रहा है। तो लोक कल्याण जो भी करता है, चाहे वो कुछ भी है, वो अंत में या तो भगवान बन जाता है या देवता बन जाता है, और भगवान उसको देवता बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, तो लौकिक देवता बना देते हैं, कुछ भी नहीं बनाते, तो उसको ये फल मिल जाता है। ठीक है, जो भक्ति करता है वो कुछ ना कुछ पायदान ऊपर तो चढ़ता ही है, इसलिए तो भक्ति करते हैं, वरना तो कोई करे ही ना। हनुमान जी कुछ तस्वीरों में वो पुस्तक लिखते हुए दिखाई दिए हैं, क्या उसको देखते हुए लोगों ने इस बात को माना कि वो लिखते हैं? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, पुस्तक लिखते हैं मतलब भगवान का रामायण पढ़ रहे हैं, वो तो कोई श्लोक लिख रहे होंगे रामायण, नहीं समझे। अब वो लोगों का भूत भविष्य लिख रहे हैं, ये तो मुझे पता नहीं था, वो तो लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी हैं जी, और उन तक ही सीमित थे। ठीक है, या लंका तक सीमित थे वो, अब ये थोड़े ना पूरे जहान तक सीमित रहेंगे, चारों युगों में हैं, भक्ति प्रदान करने के लिए है, लोगों को सारी सिद्धियां प्रदान करने के लिए हैं, जहाँ भगवान राम का नाम होगा वहाँ प्रसन्न होकर जाने के लिए है, अपनी ऊर्जाएं प्रदान करने के लिए हैं, वो किसी के भूत भविष्य को लिखने के लिए नहीं है। तेरी जेब में फला का नोट है, तेरे पति का फलाने से चक्कर चल रहा है, ये हनुमान जी का काम नहीं है। हनुमान जी ये बताने के लिए रह गए क्या कि तेरे पति का फलाने से चक्कर चल रहा है, या तेरी पत्नी भाई दस से संबंध बना चुकी है, ये बताने के लिए हनुमान जी है क्या? तो फिर लोग गौर करें भाई, लोग समझे कि जो लोग सर हिला रहे हैं वो ढोंग पाखंड कर रहे हैं। ठीक है, बदमाश है वो जो सर हिला रहे हैं, यानी कि प्रेत ही सर हिलाता है, देवता कभी सर हिलाते ही नहीं है। और जो देवता आके कह के मैं सर हिला रहा हूँ, उस देवता का भोग देखिए आप, तुच्छ भोग लेता है वो, क्या लेता है वो? दारू लेता है। ठीक है, बोला भाई ये तो वो भी लिया करते थे, क्या कहते हैं, ये तो वो भी लिया करते थे, भैरवनाथ भी लिया करते थे। अरे तुम सुराम में और शराब में अंतर नहीं समझते क्या? आज वो कैसे बनाई जाती है, तब कैसे बनाई जाती होगी, तुम्हें यही नहीं पता? सारी विधियाँ उस टाइम की आज पूरी हो रही है, सारी दवाइयाँ क्या वैसे ही बन रही है, सारी औषधियाँ क्या वैसे ही बन रही है, सारा खान पान क्या वैसा ही है जैसा उस समय था? हैं, तब नलायकों को शर्म नहीं आती, युग बदल गए हैं तो शराब भी बदलेगी, नहीं समझे? ये इंद्र के दरबार की सुरा थोड़ी ना है, जो तुम यहाँ ठेके पे खड़े होके देसी पीते हो, और जो छूटती नहीं और जो तुम्हारे घर को बर्बाद कर देती है, उन देवताओं के तो कभी घर बर्बाद नहीं हुए हैं जी, ये तो विनाश करती है, सड़े पड़ते हो, गिरे पड़ते हो, नाली में पड़ कुत्तों से मुंह चटवाना, नसीहत पर ध्यान लगाना। अनेक वर्षों से काम कर रहे हैं मनु भैया, लोग भी बहुत आते हैं, तो क्या प्रमाणित कर सकते हैं इस बात को कि कितने लोग ठीक हुए हैं अब तक? कल एक लड़की आके ठीक कर बता गई तुम्हें, ये भी प्रमाण बता गई, भैया ने ज्योतिष बताया मेरे को, ये पांच बातें बताई वो भी सिद्ध हो गई, मेरे पैर खराब हो गए थे वो भी ठीक हो गए, उसके बाप ने जमीन दी थी मैं 2 साल तक देखने तक नहीं गया वो भी बता दी उसने, और फिर 2 एकड़ भूमि में से मैंने केवल 200 गज में मंदिर बनवा के 100 गज में मंदिर बनवा के अलग कर दिया, और अपना संचालन करो और अपने नाम नहीं कराया, ये भी बता दी उसने, क्या नहीं बताया? मेरा बोले श्रीदेव महाराज की एक एक प्रमाण है, एक एक प्रमाण, जो कहा आज तक वही दिखा दिया। अगर ये भी कह दिया क्लास में मॉनिटर था तो वैसा भी बुला दिया आदमी, अब बुलाया नहीं कह के, अपने आप आते रहते हैं, समय समय पे अपने आप बताते रहते हैं, ये मनु भैया है, ये इनकी तकदीर है, ये इतना इन्होंने कष्ट पाया है, भगवान की शरण में इतना सुख पाया है, 20 साल से भजन करते हैं, रोजाना योग करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, हैं जी, आते ही जप करने लगा था, नहीं बच्चों घर जाके नींद नहीं आई, एक बच्ची की कल तबीयत खराब थी, तो सबको तो नींद आती है, मैं तो जाके यहीं से कै बजे गया था भाई, यहाँ से 10 बजे गया था, तो घर 11 बजे पहुँचा, ये भी तो देखो, और गाड़ी भी अपने आप चलाई। ठीक है, तो कमर में दर्द हो कुछ हो, सारे काम तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ना, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई महात्मा हो आप, बस मंत्र तो बता देते हो, उससे करके और दिखा दो, मान जाएंगे।
ठीक है, अपने भक्तों के कष्ट दूर करो। अगर मंत्रों से कष्ट दूर होते हैं तो फिर या तो मत कहो, काहे कह रहे हो? तुम्हें कोई वजन कर रहा है, दबाव बढ़ा रहा है, कोई प्रेशर दे रहा है? तुम्हारे माइंड पे भी क्या प्रेशर है? बोल दो भाई ये काम हमारा नहीं है। ठीक है, तो फिर जिसका है वो कर लेगा, तो फिर मनु भैया का है। मनु भैया ने ऐसी नौकरी ली है इस देश की कि हाँ वो कहेंगे और एक दिन करके दिखाएंगे और लोगों को सबको बताएंगे। हालांकि मैंने तो नेशनल टीवी पे भी करके दिखा दिया, उनके ड्राइवर के साथ भी करके दिखा दिया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। असल में तो मुझे लगता नहीं है, जैसे मुसलमान काफिर उसको कहना चाहिए कि जब मुस्लिम काफिर कहता है तो वो उसी को कहता है जो उसके धर्म में काफिर हो जाता है, जो पास टाइम की नमाज नहीं करता और क्या कहते हैं अपने धर्म का पालन नहीं करता और उल्टा सीधा रहता है। ऐसे भारत में अगर हिंदू हिंदू प्रक्रियाएं नहीं करते हैं तो वो भी धर्मी है। ठीक है, जो काफिर के लिए सजा है वो भी धर्मी के लिए भी होनी चाहिए। तब भारत में आज 90% भी धर्मी हो गए, 10% धर्मी रह गए। अरे भाई तुम अपने को ही भूल गए हो, तुम अपनी सारी पत्तियों को भूल गए, तुम सारी ऋषि पर, अरे ब्राह्मणों का किया मत करो, ऋषियों का कहा तो कर लो, निकम्मो नीचता तो यही है। ब्राह्मण ने ये बता दिया, ये बात छोड़ दो, तुम ब्राह्मण को जाने दो भाड़ में, मरने दो भूखा, मत दो। अरे ब्राह्मण ने तो लूट के खाना तब चालू किया जब तुमने मंदिर में दाल भी चढ़ाड़ी बंद कर दी, आया समझ में? अरे बृहस्पतिवार को पीली दाल देते रहते, उसके घर में चने की दाल बनती रहती। अरे मंगलवार को वो मूंग की लाल वाली दाल कौन सी होती है, मसूर की लाल दाल देते रहते, उसके घर में लाल दाल बन जाती है कि नहीं? कभी मसूर कभी मूंग ऐसे पहुंचाते रहते हैं भाई। अरे शुक्रवार को हरी दाल दे देते या सफ़ेद वाली दाल दे देते हैं, शनिवार को काली उड़द दे देते भाई। निकम्मो तुमने इन तो ब्राह्मण को ऐसे छीनना घसूटना और लूटना और वो सिखाया है, ठीक है कि नहीं? तुमने अपने फर्ज सीख से नहीं निभाए, तब ब्राह्मण तो लूटेगा खाएगा भाई। आज ब्राह्मण को दोष देते हो, चलो ब्राह्मण की एक मत मानो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मेरी भी एक मत मानो, ऋषियों की तो मान लो, अपने घर में ग्रंथ तो रख लो, तुम्हारे वेद व्यास जी क्या कह गए वो तो देख लो। अरे 18-12 पुराणों में प्रेतादिकों का जिक्र है, सारे तंत्र ग्रंथों में प्रेतादिकों का जिक्र है, फिर क्या चाहते हो? प्रेत से उन्माद है, रोग है, आयुर्वेद में अष्टांग यज्ञोपैथी बताई गई है, यज्ञोपैथी श्रीराम शर्मा आचार्य ने यज्ञोपैथी करानी बहुत पहले शुरू की। अरे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने कम से कम मंत्रों से जाप करा के रोग दूर कराए लोगों के, कि भाई ये जप करो ये जप करो, उसको तो मानेंगे कि हाँ इन्होंने जप कराया अभी, लेकिन उन्होंने भी करके नहीं दिखाया, आया ना समझ में? करके दिखाने वाला चाहिए मुझे, क्योंकि जो करके दिखाने वाला है वो जितने लोगों का हनन करेगा उससे ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा। अब मैं बता देता हूँ, कुमार स्वामी जी ने लोगों को मंत्र दिए, मंत्र से उनके भूत भागे और जहाँ जहाँ वो बैठे थे वहाँ वहाँ के रोग और दर्द ठीक हो गए। एक ऑपरेशन पाखंड चला हुआ है, आप देखते हैं टीवी पर, उस ऑपरेशन पाखंड में भी जब वो लोगों के यहाँ जाते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग ठीक पाते हैं और वो कहते हैं ना हम यहाँ ठीक हुए, हम यहाँ ठीक हुए, हम यहाँ ठीक हुए, वो कहते हैं फिर भी कि ये पाखंड है। अरे भाई चलो पाखंड है, मैंने मान लिया पाखंड है, अगला आदमी सिर भी हिला रहा है पाखंड है, भगवान के नाम से बैठा है एक, दूसरा भगवान के नाम से लोग आ रहे हैं दो, अब भगवान का नाम वहाँ लिया जा रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं, किसी का 2-4 साल का प्रेत भाग गया, उसका रोग ठीक हो गया, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम ये बताओ उसका रोग क्यों ठीक हुआ, ऐसा क्या था वहाँ कि उसका रोग ठीक हुआ? इसका मतलब रोग ही नहीं है शरीर में, तो जो उसको ठीक हुआ वो रोग था ही नहीं, वो तो प्रेत था और प्रेत के दर्द दूर हो गए, प्रेत से रोग ठीक हो गया। बोला भाई कैंसर कैंसर कैंसर, अरे इसको कर्क रोग पहले से ही कहते आए हम, हमारे ग्रंथों में इसके लिए कर्क रोग लिखा हुआ है, तुमने कैंसर बता दिया, कैंसर 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 है, तो क्या ये रोग ठीक नहीं हो सकता? कौन कहता है? अगर कैंसर प्रेत उन्माद से है, प्रेत रोग है और पितृ से ये रोग उत्पन्न हुआ है तो वो फौरन ठीक हो जाएगा और डॉक्टर से 10,000 वर्ष में ठीक नहीं होगा, ठीक है? वरना तो सारे कैंसर के पेशेंटों को ले आओ, मैं छांट देता हूँ कि इनको तो शारीरिक रोग है और जिनको शारीरिक रोग है उसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहा है। कैंसर से मेरे घर में मेरे परिवार में 12 आदमी मर चुके हैं, नाम गिना सकता हूँ, ये प्रकाश प्रेम ऐसे मैना ऐसे नाम गिना सकता हूँ, आ गया जी अर्जन फिर एक भी ठीक ना हुआ, डॉक्टरों ने छिक्के नरेश छिक्के ऐसे ऐसी करा ली, तो फिर अरे भाई समझो रोग था नहीं तो ठीक हुआ ना, इसका मतलब बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो किससे पनपते हैं, इन सूक्ष्म तत्वों से पनपते हैं, वो सूक्ष्म तत्व क्या है, वो निगेटिविटी है और वो आपको रोग प्रदान कर रहा है, दर्द प्रदान कर रहा है, भार प्रदान कर रहा है, कष्ट प्रदान कर रहा है। अरे तभी तो यहाँ यज्ञ करते ही दर्द बहुत सारे लोगों के दूर हो जाते हैं, कष्ट कम हो जाते हैं, लोगों की दवाइयाँ छूट रही है, किन किन की दवाइयाँ छूट गई बताना,
जिनकी दवाइयाँ छूटी है सन्निधान से, हाथ दोनों हाथ खड़े करेंगे भाई, करो दोनों हाथ ऐसे खड़े किया करो, क्या जरूरत पड़ता है दोनों हाथ पूरे खड़े करने में भाई, इतने लोगों की दवाइयाँ छूट गई है, पुराने आते हैं इनमें कुछ नए, दवाइयाँ छूटना कितनी बड़ी बात है, इसका मतलब ये लोग भी ना दवाई खा रहे थे, मैंने कौन सा दवाई दे दी भाइयों, ना तो सामग्री दवाई ना गोला दवाई, ठीक है ना मंत्र जाप दवाई, तो फिर आया नहीं समझ में, जो लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, इससे सारे रोग चले जाते हैं, मैं उनको मरीज देता हूँ, मैं उनको शारीरिक रोग पीड़ित देता हूँ, आदमी जिसको बाधा नहीं हो, प्रेत बाधा नहीं हो और प्रेत बाधा से कोई कष्ट ना हो, ऐसा आदमी दे देता हूँ, एक को ठीक करके दिखा दो मान जाऊँगा, पूरे भारत में सभी को चैलेंज है, कोई महात्मा भी क्यों ना हो, सारे महात्मा क्यों ना हो, कोई एक क्यों, सारे क्यों ना हो, क्यों, क्योंकि शारीरिक रोग ठीक होता ही नहीं है, वो ठीक होने के लिए बना नहीं है, और जो बना है उसमें बुखार आता है, ज्वर आता है, वो अपने आप ठीक हो जाता है दो टाइम बाद, डॉक्टर की दवाई ना लो तब बुखार ठीक ही नहीं होगा भाई, बताना, मैंने पिछली बार बुखार चढ़ा था डॉक्टर की दवाई नहीं ली, मेरे साथ एक आदमी को चढ़ा उसने दवाई ली वो मर गया, मैं जीवित हूँ और तुम गवाह हो इस बात के, वो मर गया मैं जीवित हूँ और तुम गवाह हो इस बात के, कौन कौन गवाह है हाथ उठाना जरा, ठीक है, और एक ही बुखार चढ़ा और उसी से मुझे बुखार चढ़ा, दोनों हाथ उठाओ ना, जब उठाओ तो पता चले इतने गवाह तो अभी भी बैठे हैं क्या लिखने के लिए, और सारे पढ़े लिखे हैं, पूरा भारत पढ़ा लिखा है, बताते हो जी वहाँ तो उन क्षेत्रों में अनपढ़ लोग हैं ये उनको बहका रहे हैं, अरे मूर्खो, अरे अनपढ़ को बहकाया नहीं जा सकता, बहकाया भी पढ़े लिखे को जा सकता है, ये भी तुम्हें बता दूँ, अनपढ़ की अपनी एक जेब होती है वो टाइट होती है बहुत ऐसे, ठीक है, उसकी पत्नी बताती है ये पैसे हमारे महीने के खर्च के हैं, ये किसी बाबा को नहीं देने हैं, आगे ना मार खाएगा लट से, ठीक है, उसका इतना यकीन नहीं है, हाँ ये तो उसका यकीन हो सकता है कि भाई भगवान आए वहाँ उस धरती पे, भाई वो साक्षात भगवान है, वो नारायण साकार हरि है, कि उसको देखने की उत्सुकता उसको हो जाए, ऐसा वो भी नहीं है, हैं जी, नहीं समझे, 500 रुपये अमीर आदमी तो चढ़ाएगा, गरीब आदमी तो 10 ही चढ़ा लेगा, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, गरीब आदमी कहाँ लुटा, वे 500 रुपये तो वो 50 जगह जाके चढ़ाएगा, जब 50 जगह पहुँचेगा, 50 जगह वो पूछे ना, क्यों पहुँचे वो 50 जगह, तो इससे तो आइडिया लगा लो कम से कम कि गरीब नहीं लूटता है, लूटता भी अमीर ही है, ठीक है, परेशानी में तो कोई भी लूट सकता है, कोई किसी को बहका के लूट सकता है, तेरा ये ठीक कर दूँगा वो ठीक कर दूँगा, है ना, एक IAS ऑफिसर को माता जी को लूट लिया किसी ने, वो मीरा जी के साथ रहती थी, वो मीरा नायर कभी वो थी, वो उनकी एक मित्र थी और उसको लूट लिया एक उसने पाखंडी ने, ठीक है ना, 1.5-2 लाख रुपये ले लिए, बोला तेरा बेटा तो कल ही फ़ोन कर देगा यार मैं ऐसा मंत्र जाप करूँगा, इसलिए अब और एक बात बताया था पते, एक माता है बगलामुखी, उसका साधन बहुत लोग किया करते हैं, और जो रिंग स्थिर बीज है माया बीज है उसको जाप किया करते हैं, लेकिन ये मंत्र इतना फलित क्यों होता है कलयुग में, और इतना इस मंत्र के जाप करने वाले बहुत सारे लोग क्यों हैं, और क्यों बगलामुखी का इतना जाप किया जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस मंत्र में आगे ओम लगा हुआ है, पीछे ओम लगा हुआ है, दो बार बीज आता है, जैसे मेरे मुख से ध्यान से सुनिए, ठीक है, और मैं इस मंत्र से कई चीज़ें आपको करके दिखा सकता हूँ, एक स्तंभन, दूसरा वशीकरण, तीसरा मारण, चौथा उच्चाटन, पांचवा विद्वेषण और छठा मोहनाकर्षण वश्याकर्षण, ये सारे कर्म मैं इस मंत्र से करके दिखा सकता हूँ आपको, तब तो मानिएगा ना, और करके दिखा रहा हूँ, एक ओम रिंग रिंग ओम रिंग बगला मुखे सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिव्या कील बुद्धि नाश रिंग ओम स्वाहा। अब आपने देखा इसमें ओम आगे है ओम पीछे, आपने देखा रिंग दो बार आया ना समझ में, दो बार बीज के साथ तारक मंत्र आया है यानी कि ओम आया है, और हिंग तारिका कहते हैं यानी कि तारक और तारिका एक साथ है, इस विश्व की समस्त इस भुवन की समस्त द्वि ऐसी शक्ति कि एक शक्ति वाला और दूसरा उसकी शक्ति दोनों साथ है, इसलिए ये मंत्र जब जाप करते हैं तो इससे पूरे भारतवर्ष को तो लाभ होगा ही होगा, प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा, ठीक है, मैं आज भी एक बात मानता हूँ कि किसी का ना वशीकरण किया जा सकता ना मारण ना उच्चाटन किया जा सकता, जिनका किया जाता है वे शरीर में वे सूक्ष्म प्रेत हैं, वे देव वो हैं राक्षस हैं जो शरीर के अंदर भर गए हैं, उन्हीं का वशीकरण किया जा सकता है, वही लोगों के बहकावे में आते हैं जिनके अंदर प्रेत अधिक होते हैं,
उन्हीं का उच्चाटन किया जाता है और उन्हीं के ही पैसे लूटते हैं। मैंने ये बात करके देख ली है, ठीक है। अगर बहुत लंबे समय तक जाप किया जाए तो प्रभाव तो बीज का कभी भी पड़ सकता है, किसी पे भी पड़ सकता है, तो पड़ सकता है किसी पे, वरना तो जितने लोगों के शरीरों में प्रेत है उन्हीं का ये सब होता है, और प्रेतादि को ही आप मार पाते हैं, उन्हीं का मारण कर पाते हैं। दूसरों का मारण करने के लिए तो हाथ में कुछ चाहिए, जैसे शत्रु को मारने के लिए तो वो उस पार हम इस पार चाहिए, है ना, फिर तो ब्रह्मास्त्र चाहिए, हैं जी, तीर चाहिए, जिसका संधान हो, तो आजकल तीर नहीं है, बॉम्ब है, क्या है, बॉम्ब है या बंदूकें हैं जिनसे गोलियां निकलती हैं दूर दूर तक, एक एक किलोमीटर तक मार करती है, वो है? नहीं आया समझ में, तो फिर लेकिन जो प्रेतादि के शरीर में उन्हीं का वशीकरण किया जाता है, वही वशीभूत होते हैं मंत्रों के, और चूंकि बीज भी सूक्ष्म है वो भी सूक्ष्म है, तब वो बहुत जल्दी होते हैं, बहुत शीघ्र होते हैं, तब उनका स्तंभन भी होता है। आप देखते हो शनि धाम में अब हाजरिया बहुत जल्दी बंद हो जाती है, लोगों का कल्याण और तेजी से हो रहा है। तो वह यही है कि हमने जिस बीज को जितने लंबे समय तक जपा भजा और जिसको जितना भोग दिया, वो देवता प्रसन्न होकर आपको वैसा ही वरदान देता है। वो आता भी है, वो बताता भी है, वो देखा भी जा सकता है, वो सारे काम किए जा सकते हैं। लेकिन मैंने एक बात और देखी है कि जैसे 20 साल में आज तक कोई देवता मेरे शरीर को हिला नहीं पाया, है ना, मैंने भी बहुत सारे मंत्र जपे और देखा कि ये फूल नीचे गिर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे मैं भी नहीं कर पाया। तब मैंने देखा मंत्र का सूक्ष्म प्रभाव केवल शरीर में रहने वाले प्रेत पे, मित्र पे, मलिन देवता पे, तंत्र देवता पे, मलिन कहता हूँ मैं उस देवता को जिसको तांत्रिक पूजता है, भेंट क्या चढ़ाता है, दारू और क्या क्या मांस है जी, और ये बलियां देता है, मुर्गे की, सुअर की, कुत्ते की भी, मेंढक की भी, बत्तख की भी, हैं कबूतर की भी, कछुए की भी, इनकी भी बलियां दे देते हैं। वे सारे के सारे देवता जो तंत्र के हैं, और उनमें काली नहीं आती है, मैं बताता हूँ आपको, काली के कोटि सहस्त्र रूप हैं, उनकी बहुत सारी कृत्याएं हैं जो बहुत मलिन भाव से रहती हैं और लोगों को परेशान करती हैं और को केवल गंदे विचार देती हैं, और आपकी नाभि के नीचे का उनका स्तर है, यानी कि पृथ्वी के भी नीचे का पाताल का उनका स्तर है, और वे पाताल के जीव होते हैं इस तरह के, ठीक है। तो वनचर, जलचर, भूचर हैं जी, गोचर, इस तरह से अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, उनमें बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भी रहते हैं। हमारे पहले से ही बहुत सारे ग्रंथों में प्रेतों के बारे में, पितरों के बारे में लिखा हुआ है, वो देव योनि में भी है, और राक्षस आदि भी देव योनि ही कहलाते हैं, क्योंकि वे जब चाहे इंद्र के पद पर कब्जा कर लेते हैं और इंद्र का पथ भी डिगा देते हैं और उनकी भक्ति भी खत्म कर देते हैं। जय शनिदेव सबको। जो मुझे थोड़ा बहुत पता था वो तुम्हें बता देता हूँ, कुछ मेरा अनुभव शामिल होता है, कुछ मेरे ग्रंथों की महिमा शामिल होती है, तब मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। किसी के प्रति कोई अभद्र शब्द निकल गया हो तो वो क्षमा कर देना, लेकिन मनु भैया स्वच्छ कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, सच कहते हैं, और सच कड़वा होता है। किसी को लगे आग की तरह तो उसको आग बुझाने के लिए मैं यहाँ से जल भी प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ, सत्य कभी झुठलाया नहीं जा सकता, सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। अगर आज कह दिया गया प्रेत नहीं है, तो 25 साल पहले एक महात्मा कहता था कि सबके शरीरों में प्रेत होंगे, वो डॉक्टरों के यहाँ घूमेंगे फिरेंगे और लोगों के रोग ठीक नहीं होंगे। आज मैं 25 साल बाद कहता हूँ कि अगले 25 साल में भारत का कोई नागरिक नहीं होगा जिसको मानसिक रोग नहीं होगा, क्योंकि उसके मन के स्तर पर प्रेत बैठे होंगे और सबको डॉक्टर डिप्रेशन घोषित कर देगा, स्वयं डॉक्टरों को भी डिप्रेशन हो जाएगा, इतने प्रेत भर जाएंगे इस संसार में। और वो जो लोग मर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो जीव जन्म रहे हैं, उनकी श्रेणियाँ इतनी बढ़ रही है कुछ है नहीं। और बोलते हैं कोटि कोटि देवता, तो आपको पता ही नहीं है कि जो सूर्य की रश्मियाँ हैं, एक एक रश्मि से 20,000 ठीक है तत्व उत्पन्न होते हैं और वो देवता ही कहलाते हैं, ठीक है ना। तब सूर्य की रश्मियों से ही कितने देवता उत्पन्न हो गए, ठीक है। हम इस संसार के प्रत्येक उस जीव को, चाहे वो सूक्ष्म हो, अदृश्य हो, चाहे कैसा हो, जो मानव कल्याण के उत्थान के लिए रहता है, जैसे वो दही का क्यों ना वो हो, वो भी देवता ही कहलाता है, हम उसको देवताओं में ही मानते हैं। वो वरुण देवता के नीचे का एक स्तर देवता होता है, तब इस तरह से जो उसका मुख्य देवता होता है हम उसको जान लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने वेदों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा द्यूलोक, पृथ्वीलोक, आकाशलोक, तीन जो देवता हैं, अग्नि, सोम, वायु और
सूर्य, ये जो तीनों देवता हैं, इन तीन देवताओं की 10-10 व्याहुतियाँ हैं, 10-10 सहायक तत्व है, 10-10 सहायक देवता है। तो इस प्रकार से मिलाकर 33 प्रकार के देवता हमारे पास है, 33 कोटि देवता हमारे पास है, और वो प्रकार है, और उनसे ही जो संबंधित है। ये सेम ऐसे ही है जैसे एक कुल में पहले एक आदमी था गांव में, फिर उसके बहुत सारे हुए, धीरे 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 उससे पूरा गांव उत्पन्न हो गया। तो जैसे ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो केवल एक ही आदमी से उत्पन्न थे, वहाँ एक ही कोई आदमी आया था 500-700 साल पहले, और आज वो 5-7 हज़ार लोगों से भर चुका है वो गाँव। सेम ऐसे ही देवताओं में भी तो है, नहीं समझा कि सूर्य के विवस्वान हुए, विवस्वान के इक्ष्वाकु हुए, इक्ष्वाकु के ये हुए, फिर उनके ये हुए, फिर उनके सरिस्सर हुए, फिर उनके ये हुए, ऐसे ऐसे करके तो उनकी भी लाइन बनी हुई है ना। तो तुम अपनी गया जी में जाके देख सकते हो, तुम अपने भाट को चारण को ढूंढ सकते हो, वो तुम्हें तुम्हारी पत्तियाँ बता सकता है, और तुम्हारी क्या कहते हैं वो भी गिनवा सकता है, पीढ़ियाँ भी गिनवा सकता है। जय शनिदेव सबको। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।